हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ निधि वर्मा। आज मैं आपको MSc में चैप्टर 10 बी ओबिडेंट पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, बी ओबिडेंट मीन्स आज्ञाकारी होना चाहिए। अब देखिए, आरुणी नाम का एक लड़का था, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। देखिए, एक बार एक जंगल में एक सन्यासी रहता था, उसके चार शिष्य थे। वे क्या करते थे, धनुर्विद्या और वेदों की कला का अध्ययन करते थे, और सन्यासी अपने शिष्यों से बहुत प्यार करते थे। सन्यासी एक झोपड़ी में रहता था, वहीं पर चार छोटी झोपड़ियाँ भी थी जिसमें उसके शिष्य रहते थे। वहाँ पर एक साधारण रसोई भी थी, जहाँ जो कि उसमें शिष्य अपना और अपने गुरुजी का मीन सन्यासी का खाना बनाया करते थे वहाँ पर। और उनके पास में एक भूमि, कृषि भूमि का टुकड़ा भी था, ऐसे या जो आपको दिख रहा है कृषि भूमि थी, जहाँ पर वो सन्यासी और उसके शिष्य अनाज और काफ़ी सारी सब्जियाँ अपने आप उगाया करते थे। और वो सुबह तो फील्ड में मतलब मैदान में काम करते थे उसी के लिए, और शाम को पढ़ाई करते थे। सारे जो बच्चे थे अपने गुरुजी की हर बात को मानते थे। एक दिन क्या हुआ, वह जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि बारिश शुरू हो गई। हर्मिट और उसके जो शिष्य थे वो चिंता में हो गए, कि क्योंकि उसी समय उनके कुछ छोटी छोटी कलियाँ और थोड़ा अनाज हो गया आया था, तो उन्होंने चिंता हो गई, अरे बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश शुरू हो गई, ये क्या हुआ। उनने सोचा कि बारिश के कारण हमारा सारा अनाज की फसल जो उगी है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो हर्मिट ने बोला कि हमें अपनी फसल को, अपने अनाज को बचाना होगा। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया, जो कि जिससे तो वो बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उससे कहा, आरुणी मेरे बेटे, तुम जाओ देखो और अपने अनाज की रक्षा करो। तुम अपने अनाज की रक्षा कर सकते हो इस पानी से। इफ़ यू वाटर कलेक्ट्स इन द फील्ड द स्मॉल क्रॉप्स वुड डाई। अगर हमारे इसमें कृषि भूमि में, मैदान में अगर ज़रा सा भी पानी कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो जो हमारा अनाज छोटा बहुत छोटा छोटा जो होगा है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो आरुणी बोला कि जी गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी फसल की रक्षा करूँगा। और अंधेरा हो गया था, आरुणी फील्ड में गया। उनने कुछ टाइम के बाद ही देखा, कुछ मिनट के बाद उसे फील्ड में जब वो जाके देखा, उसने उसे छोटा सा फील्ड में होल दिखा एक कॉर्नर पर, तो जहाँ से पानी एंटर कर रहा था फील्ड में उस छेद के ज़रिए। उसने क्या करा, थोड़ी सी मिट्टी और स्ट्रॉ कलेक्ट की और उस होल को बंद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, अपने पूरा फोर्स लगा दिया, बट पानी की जो धार थी वो बहुत तेज़ आ रही थी उसमें से, तो वो रुक नहीं पा रही थी। अरुण ने बहुत ट्राई किया, बहुत टाइम लगाया, बहुत देर तक वो कोशिश करता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया। फाइनली क्या हुआ, ही हिमसेल्फ ले डाउन ऑन द माउथ ऑफ होल टू स्टॉप वाटर। अब उसने क्या किया, अब उसने मुंह में लेने की भी सोची, लेकिन वो वैसे तो फील्ड में तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। अब वाटर उस समय रुक गया। फिर क्या हुआ, जब हर्मिट आया उसने देखा कि वो रुक नहीं रहा है, तो वो लेट गया उस होल पर, जो होल था जिससे वो वाटर आ रहा था अंदर, वो वहाँ पर ऐसे लेट गया कि उसको पानी अंदर ना आ पाए। कुछ टाइम के बाद में पानी तो रुक गया, हर्मिट आया और बाकी सारे शिष्य भी आए जो रह गए थे। देखा कि अरे, उन्हें चिंता हुई कि अरुणी मतलब पूरी रात वहीं पर रहा है, क्या हुआ कैसे है, चलो देखने चलते हैं। पर अरुणी लौटा नहीं था, पूरी रात वहीं पर था, कि पानी आ रहा था, पानी रुक नहीं रहा था। अगले दिन क्या हुआ, सब लोग वहाँ आए फील्ड में, उन्होंने देखा अरुणी कहाँ है, अरुणी को देखा, तो अरुणी वहाँ पर पानी की जो जगह थी, जो होल था, वहाँ पर लेटा हुआ था। क्यों, क्योंकि पानी को रोकने की वजह से जो हर्मिट थे, मतलब जो सन्यासी थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा और चिंता भी महसूस हुई। उन्होंने हर्मिट जो वो अरुणी था, जो उनका शिष्य था, उनको बहुत ज़्यादा सारी ब्लेसिंग दी और उन्हें प्यार से गले भी लगाया और बोले, अरुणी तुम मेरे फेवरेट शिष्य हो, तुम मेरे मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को पसंद हो, तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले शिष्य हो तुम। और आफ्टर ऑल ही हैड ओबेड हिज टीचर विदाउट केयरिंग फॉर हिज होल लाइफ। क्यों, क्योंकि तुमने अपने जीवन की परवाह नहीं की, और बिना जीवन की परवाह किए ही तुमने बस
इस फसल को बचाने की सोची कि मेरे गुरुजी ने जो मुझे काम दिया है वो मैं उसे सच्चे मन से करूँगा, चाहे मेरी तबीयत ही क्यों ना ख़राब हो जाए। तुमने ये सब नहीं सोचा, तो इसलिए मैं तुम्हें, वैसे भी तुम मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय हो शिष्य, और आज से तो और भी ज़्यादा हो गए। तो बच्चों, ओबीडेंट चिल्ड्रन आर लव्ड बाय ऑल, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हें हर कोई प्यार करता है। तो आज से आप भी, ये नहीं है कि ओनली टीचर की आपको, मतलब कोई भी, हमने अगर आपसे कुछ बोला है तो आप उसको मानेंगे, नहीं, आपको अपनी माँ बाप के लिए भी, हर किसी के लिए भी आपको ओबीडेंट होना है। ओके, थैंक यू।